खबर बिगोद से, श्री चारभुजनाथ के मंदिर कोटड़ी परिसर में शनिवार को कोटड़ी ग्रामीण पत्रकार मंच की ब्लॉक स्तरीय पांचवी बैठक अध्यक्ष महावीर वैष्णव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मौजूद पत्रकारों ने दिवंगत CDS जनरल विपिन रावत के निधन को देश के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। उन्हें 2 मिनट का मौन रहकर श्रद्धांजलि अर्पित की। परिचय सत्र के बाद शुरू हुई बैठक में पत्रकारों के साथ विचार विमर्श कर तहसील कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। वही विशेष चर्चा सत्र में अध्यक्ष वैष्णव ने बैठक में पत्रकारिता की सुचिता व गरिमा को आम जन के बीच बनाए रखते हुए काम करने की बात कही। उन्होंने पत्रकारिता के नाम पर अवैध तरीकों से चौथ वसूली करने वाले फर्जी पत्रकारों को चिन्हित कर उन्हें बेनकाब करने को कहा। श्रेष्ठ, सटीक व आमजन से जुड़ी खबरों का उज्ज्वल पक्ष प्रकाशित करते हुए जनमानस को जागृत करने का संदेश दिया। पत्रकार मंच के कोषाध्यक्ष सुरेश लोधा ने पत्रकारों को निर्भीक, निडर व निष्पक्ष होकर विश्वसनीय खबरें कवरेज करने की बात कही। पत्रकारिता की सूक्ष्म एवं गहन बिंदुओं को विस्तार पूर्वक बताते हुए महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराया। अंतिम सत्र में मीडिया प्रभारी दुर्गेश पाराशर व महामंत्री सोहन बागवान ने पत्रकारों को जनता जनार्दन का सच्चा प्रहरी बताया। पाराशर ने वर्तमान दौर की पत्रकारिता पर चर्चा करते हुए रिपोर्टरों की जिज्ञासा का समाधान किया। कार्यक्रम के दौरान पत्रकार मंच के उपाध्यक्ष नंदलाल दरोगा, रामप्रसाद आचार्य, कोषाध्यक्ष सुरेश लोधा, सचिव तेजेंद्र धादीच, मीडिया प्रभारी दुर्गेश पाराशर, सह सचिव वर्दीचंद धोबी व महामंत्री सोहनलाल बागवान आदि पत्रकार मौजूद थे।